Okay, so we are starting with this new story, gift of chappals. Okay, chappal तो काफी familiar item है हम लोग की life में, तो फिर ये gift of chappal कैसे pan out होगा? Well, let us see how this story goes. Okay, एक basic information ये है कि ये एक दिन था जिस दिन चप्पल जो है वो दान में दिया गया था एक बूढ़े भिखारी के जलते हुए एड़ियों को आराम देने के लिए. So let us go through this story and see how it happens. And well, maybe this is not the end of the story. There is plenty more to come from it. Smiling, Rukumani threw open the door. Muskurate hue Rukumani ne darwaja khola. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mirdu into the house. Ravi aur Meena jo hai bahar nikle teji mein, aur fir Ravi jo hai wo Mirdu ko ghar ke andar leke aaya. Okay. Wait, let me take off my slippers, protested Mirdu. Mirdu jo bolta hai, ruko mujhe apna chappal nikalne do. Jo hum log kya customer na log chappal ye jo tha khol ke ghar ke andar jate hain. She set them out nearly neatly near a pair of large black ones. Usse jo use aaram se sambhal ke jo kale bade kale chappal ka ek joda jo tha uske bagal mein rakh diya. Those were grey actually with dust. Wo sab actually grey ho chuke, to kala chappal jo tha wo actually grey ho chuka tha dhool wagaira ke chakkar mein. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. Okay, आप जो है वो दोनों चप्पल के आगे वाले हिस्से में जो है हर एक पैर की उंगली का निशान देख सकते थे, और जो दो बड़े वाले जो टोज हैं, है ना, अंगूठा जिसको कहते हैं पैर का, तो वो लंबे थे और स्क्रॉनी थे, मतलब घिसे पिटे से एकदम से बदसूरत से. मिर्दु डिडेंट हैव मच टाइम टू, मतलब कि वो काला वाला चप्पल का जोड़ा जो है काफ़ी पुराना है, और बगल में जो है मिर्दु ने भी अपना चप्पल खोल के रखी है. मिर्दु डिडेंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. मिर्दु को ज़्यादा टाइम ये सोचने के लिए नहीं मिला कि वो किसके चप्पल थे, क्योंकि रवि जो है उसको खींचते हुए पीछे ले गया जो बिटर बेरी बुश के जो ये है झुरमुट है उसके पीछे. दे आर इनसाइड टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. और वहाँ जो है एक फटे हुए फुटबॉल में, जिसमें कि कपड़े का लाइनिंग लगा हुआ था और उसमें बालू भरा हुआ था, एक बहुत छोटी जो है बिल्ली बैठी हुई है, जो कि कोकोनट शेल, जानते हो ना, नारियल के अंदर जो शेल टाइप का होता है, तो उसका जो आधा वाला हिस्सा था उसमें भरे हुए दूध को वो पी रही थी. और बिल्लियाँ जो है वो एक्चुअली दे डोंट ड्रिंक, दे लैप. ओके, चप चप करके चाटते हुए पीती है ना वो लिक्विड को. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमने उसे जो है दरवाजे के बाहर आज पाया. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग, वो बेचारा म्यू म्यू कर रहा था, ठीक है ना, सेड मीना. इट्स अ सीक्रेट, अ मैसेज, पाती विल लीव for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. I guess Pati is Dadi or Nani. तो मीना जो है वो कहती है कि ये सीक्रेट है, अम्मा बोलती है कि Pati जो है वो हमारा घर छोड़ के Padu Mama के घर चली जाएगी अगर उसे cat के बारे में पता चला तो. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. बच्चे फिर आगे बोलते हैं, रवि बोलता है कि लोग हमेशा 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 हमें सिखाते रहते हैं कि जानवरों के प्रति दया रखो वगैरह वगैरह, लेकिन जब हम दयालु बनते हैं तब वो चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, उस गंदे जानवर को यहाँ मत लाओ, सेड रवि. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, तुमको पता है कितना मुश्किल है बस दूध लाना किचन से. Pati saw me with a glass in my hand just now. Pati ne abhi abhi mujhe jo hai apne haath mein glass ke sath dekha tha. I told her I am very hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, maine use bola tha ki main bahut bhooka hu aur main ise peena chahta hu, lekin jis tarike se unhone meri taraf dekha tha, I had to drink most of it to throw her off the scent. Mujhe iska zyada tar peena pada taki wo mere piche se hate, hai na, mere par se shak karna band kare. Then she wanted the tumbler back. तब फिर उनको जो है गिलास वापस चाहिए था. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? दादी दादी मैं खुद से इसे साफ कर लूँगा, क्यों मैं आपको परेशानी में डालूँ. I told her, मैंने उनसे कहा था. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मुझे जो है दौड़ के आना पड़ा था और इस कोकोनट शेल में मिल्क को जो है उड़ेलना पड़ा था, फिर वापस जाके जो है टम्बलर को धोना पड़ा था
और वापस रखना पड़ा था इससे पहले कि वो शंका करने लगे, सस्पिशियस हो जाए. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. अब हमें जो है कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा महेंद्रन को खिलाने का. ओके महेंद्रन, महेंद्रन, दिस लिटिल किड इज नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. महेंद्रन, वही इस छोटी बिल्ली का नाम महेंद्रन है. मृदु काफ़ी इम्प्रेस्ड थी, प्रभावित थी. इट वॉज अ रियल नेम. लोग बिल्ली का नाम क्या रखते हैं, पुसी, राइट. उसने नाम रखा है महेंद्रन. और फिर जो है वो आगे बताते हैं, एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई. ओके छोटा मोटा नाम नहीं है, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, ये नाम है बिल्ली का पूरा. MP Pune for short, if you like. MP Pune तुम short में बोल सकते हो. He is a fine breed of cat. वो बिल्ली की बहुत ही बढ़िया जो है नस्ल से है. Just look at his fur. बस उसके फर को देखो. Like a lion's mane. बिल्कुल जो है शेर के मेन की तरह है वो, गर्दन पर जो बाल होते हैं. And you know what? और आपको पता है, तुमको पता है क्या, the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? And you know what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? और तुमको पता है कि नहीं कि जो प्राचीन जो पल्लव राजा थे उनका एम्ब्लम क्या था. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. वो जो है अपेक्षा के साथ मृदु की ओर देखता है कि शायद जो है उसे ध्यान हो, ठीक है. लेकिन फिर मृदु जो है वो हंसते हुए कहती है, मृदु गिगल्ड, हैं मतलब मुझे नहीं पता है. और फिर ये बोलता है, थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ. वेल जस्ट वेट, बस प्रतीक्षा करो. I will show you sometime. मैं तुम्हें कभी दिखा दूंगा. It's clear you don't know a thing about history. ये तो साफ है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गए हो ना. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his जब मैं महाबलीपुरम गया था तो मैंने वहाँ पर जो है तथास 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 वगैरह का मूर्ति देखा था. फैक्ट इज महेंद्रन हियर हैज़ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट. और सच्चाई ये है कि महेंद्रन जो यहाँ पर है वो उसी प्राचीन बिल्ली से जो है आया है. ओके अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लायन. ओके एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव वैज्ञानिक रूप से बोलो तो, और किसी का नहीं, लायन का. ऑफकोर्स कैट जो है वो लायन जो है वो भी कैट की फैमिली का ही है ना. तो वैसे साइंटिफिकली स्पीकिंग भी तो लायन और बिल्ली रिलेटिव हो गए. द पल्लवा लायन एम्ब्लेम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, रवि वेंट ऑन. तो किसका डिसेंडेंट है ये कैट, तो जो पल्लवा लायन था, जो पल्लवा डायनेस्टी का एम्ब्लेम था, उसका डिसेंडेंट था ये. रवि वेंट ऑन walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. Okay, रवि जो है बिल्कुल एकदम टहल रहा है bitterberry bush के पास, और एक हाथ में जो है एक झाड़ी टाइप का है, उसको ऊपर नीचे करता हुआ, उसकी आंखें चमक रही है और वो अपना प्रवचन दे रहा है. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. ये बिल्ली जो है वो और कोई नहीं, वही जो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी उसकी वंशज है. एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट. और अगर मैं तुमको याद दिलाऊं तो वो एंशियंट इजिप्ट में बिल्ली की पूजा करते थे. आगे सो मृदु पूछती है, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स. उसी जो बिल्ली देवी थी उसी के एक वंशज जो है वो जो है एक पल्लवा शिप पर जो है चुपचाप आ गई थी. स्टो अवे मतलब वो लोग जो बिना परमिशन के शिप पर आके छुप जाते हैं, राइट, कि भाड़ा ना पे करना पड़े या वो किसी से छुप के भाग रहे हों वगैरह वगैरह. ओके तो एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट. और वही जो स्टो अवे जो आया था इजिप्ट के कैट गॉडेस के वंश वाला, उसी का डिसेंडेंट था फिर महाबलीपुरम का ऋषि कैट. और हिज हुज डिसेंडेंट इज, और उसका वंशज कौन है, वेल वो जो है महेंद्रन की तरफ जो है अपना डंडा जो है या छड़ी जो है झुमाते हुए, वो पेड़ का जो है डंठल घुमाते हुए चमकाते हुए बोलता है, और उसका वंशज है एमपी पुणे हियर. वो पेक ही श्रेक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ. अरे भाई क्या बड़ी वंशावली है ना. बिल्ली देवी जो है एंशियंट इजिप्ट की, वहाँ से शुरू होते हुए जो है पल्लवा डायनेस्टी के एम्ब्लम
वाले लायन और वहाँ उस एम्बलम वाले लायन से ये कैट. महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड. वो क्या कह सकते हो, वो डाली को जो वो चमकाता है उसकी तरफ, है ना, तो महेंद्र बेचारा जो है ऊपर की तरफ देखता है थोड़ा चौकन्ना होके. ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. वो जो है बस अपने अभी पंजों को जो है तेज कर रहा था, धार लगा रहा था कोकोनट शेल के एज पर. बट वर्स देन रवीज ऑफुल हुपीक वॉज अ क्रीच. लेकिन रवि ने जो वो हुपीक वाला बकवास साउंड निकाला था उससे भी बुरा था क्रीच साउंड, जो कि खिड़की से आ रही, खिड़की से आई. What a weird sound! क्या अजीब आवाज़ है. If Mridu was startled, MP Pune was frightened out of his wits. Mridu अगर चौंक गए थे तो MP Pune तो बेचारा बिल्कुल दिमाग से बाहर हो गया था, डर गया था एकदम से वो. Hair standing on end, he bounced up and scurried toward a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. अरे बाल बिल्कुल खड़े उसके, वो जो है बिल्कुल सीधा कूदा और छोटे छोटे कदम से, छोटे छोटे कदमों से जो है उस बैम्बू ट्रे की तरफ चला गया जिसमें कि वो लाल मिर्ची वगैरह सूखने के लिए रखी हुई थी. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, इसके नीचे छुपने के चक्कर में ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. उसने जो है एकाध मिर्ची भी अपने ऊपर गिरा ली. मियाव ही होल्ड मिजरेबली. बेचारा जो है एकदम से दर्द में जो है चिल्ला पड़ा मियाव. The creaking went on and on. वो creaching वाला sound जो है वो चलता रहा. Okay? What's that noise? said Mridu. मृदु पूछते हैं कि ये कौन सी आवाज़ है, कौन सा शोर है ये. That's Lally learning to play the violin. Grunted Ravi. Okay? Ravi जो है मतलब grunted मतलब जब आप जो है असंतोष के साथ कुछ कहते हैं ना, Lally है violin बजाना सीख रही है. She will never learn a thing. कभी कुछ नहीं सीखेगी. Well, that's the attitude we have towards our, you know, like siblings. अपने siblings से प्रति अक्सर हम लोग का ऐसा ही attitude रहता है ना, हम ही होशियार हैं बाकी सब बुड़बक है. मृदु kept up to the window. मृदु जो है वो विंडो तक चढ़ के गई. Lally was sitting a little distance away. लली जो है थोड़ा हट के जो है बैठी हुई थी. Awkwardly holding her violin and bow string. अजीब तरीके से जो है violin को और bow string को पकड़े हुए. Her elbow jutting out, उसका elbow जो है वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकला हुआ है. Okay, and her eyes glazed with concentration, और उसकी आँखें जो है बिल्कुल चमक रही है concentration की वजह से, इतना ध्यान लगाया हुआ है उसने जो है अपने musical performance पर. In front of her, with most of his back to the window, was a bony figure of the music master. और उसके सामने में उसका पीठ मोटा मोटी खिड़की की तरफ घुमा हुआ वो हड्डी वाला ढांचा है म्यूजिक टीचर का, म्यूजिक मास्टर का. ही हैड एन ऑलमोस्ट बॉल्ड हेड, लगभग मोटा मोटी उसका टकला वाला सर है. विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फेडिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. ओके, उनका जो मोटा मोटी जो टकला सर है फिर उसके किनारे से केवल जो है तेल लगा हुआ काला बाल है जो कि कान के पास आके ख़त्म होता है, और एक वो पुराना जमाना वाला जो है टफ्ट मतलब चुटिया भी है. A gold chain gleamed around his leathery neck. उसका जो चमड़ा लटका हुआ जो गर्दन है उसके अराउंड जो है सोने का एक चेन जो है वो चमक रहा है. And a diamond ring glittered on his hand. और हीरे वाली अंगूठी जो है वो उसके हाथों पर जो है चमक रही थी, क्या चमकती थी. As it glided up and down the stem of the violin. जब वो उंगली जो है वो वायलिन के स्टेम में ऊपर नीचे जो है मूव कर रही थी. A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesti edge and एक बड़ा सा पैर जो है वो निकला हुआ था बाहर, वो जो सुनहरे बॉर्डर वाला जो वेस्टी दैट्स टाइप ऑफ धोती. ओके, उसके किनारे से उसका पैर निकला हुआ था, ठीक है. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो. और उसका जो स्क्रॉनी बिग टो है उससे वो फ्लोर के ऊपर जो है ताल मिला रहा था, टाइम मिला रहा था, है ना, क्योंकि जब म्यूजिक परफॉर्म करते हैं उसमें क्या होता है, नहीं कहते लोग सारे गामा, उसमें भी जो है आपको टाइम करना पड़ता है या फिर तक नादा, मतलब जो भी म्यूजिक का बीट होता हो. आई एम नॉट गुड विद म्यूजिक एनी वे, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट म्यूजिक, सो गुड बैड होने का सवाल नहीं है. बट ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, म्यूजिक टीचर ने एक आध नोट्स प्ले किए. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. और लाली जो बेचारी किसी तरह से लटकते पटकते जो है अपने वायलिन पर उसके नोट के साथ जो है मैच करने की कोशिश कर रही थी. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. जो बेचारा वायलिन जो है उसके हाथ में बिल्कुल जो है असहाय और यू नो उदास फील कर रहा है, काफ़ी सैड फील कर रहा है, नाखुश फील कर रहा है. वॉट अ डिफरेंस.
क्या डिफरेंस था. द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. ओके, इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग एज रवि सेड. ओके, मतलब क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या डिफरेंस है. म्यूजिक मास्टर का जो नोट है वो बिल्कुल रहता है उड़ते हुए जाता है, और बिल्कुल जो मेलोडी का जो इनविजिबल ट्रैक है, पटरी है, उसमें जाके बिल्कुल सेट हो जाता है. ठीक है, जैसे कि वो ट्रेन का पहिया जो होता है बिल्कुल स्मूथली जो है पटरी में फिट आ जाता है और बिल्कुल जो है आगे निकल जाता है. ठीक है. मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक. मृदु जो है वो घूरती है उस बड़े हाथ को, क्योंकि एफर्टलेसली जो है वायलिन के स्टेम पर मूव करता है और लवली म्यूजिक प्रोड्यूस करता है. स्क्वैक, देयर वाज लली डिरेलिंग अगेन, और फिर एक स्क्वैक की आवाज़ आती है, लल्ली जो है उसका सुरताल फिर से बिगड़ जाता है. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा, ओ बाहर से आवाज़ आ रही है, कोई जो है अम्मा अम्मा करके जो है आवाज़ दे रहा है. रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विथ टापी. रवि, उस भिखारी को भेज दो. उसकी माँ जो है वो पीछे वाले बरामदे से जो चिल्ला के बोलती है, जहाँ पर वो टापी से बात कर रही है. ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक. वो पूरे पिछले हफ्ते से ही यहाँ पर वो हर एक दिन आ रहा है. एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. और अब टाइम है कि वो जो है दूसरा घर ढूंढ ले मांगने के लिए. पाटी एक्सप्लेन टू टापी, पाटी जो है वो टापी को एक्सप्लेन करती है. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि, और मृदु और मीना जो है वो भी रवि के साथ बाहर आते हैं. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. बेगर जो है वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था, अपने आप को कंफर्टेबल बना रहा था, मतलब रिलैक्स हो रहा था वहाँ पर. अब गो अवे सेड रवि स्टर्नली. रवि जो है एकदम से स्ट्रिक्टली बोलता है, चले जाओ यहाँ से. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. मेरी पाती बोलती है कि अब टाइम आ गया, तुम दूसरा घर ढूंढ लो मांगने के लिए. वेल, बेगर इतनी जल्दी मान ही लेगा. द बेगर ओपन्ड हिज आइज विद वाइड, वेरी वाइड, एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वन बाय वन. भिखारी जो है उसने अपनी आँखें बिल्कुल चौड़ी करके खोली और हर एक बच्चे को जो है एक एक करके बड़े ध्यान से देखा. ही देन रेज्ड हिज वॉइस. तब उसने अपनी आवाज़ फिर से उठाई. अम्मा अम्मा, ओ सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल. ओके, वो जब फिर से आवाज़ देता है और भले उसकी जो आवाज़ है वो भले ही सैड हो, राइट, लेकिन सर्टेनली कमज़ोर आवाज़ नहीं थी, तगड़ी आवाज़ है उसकी. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकुमनी. ओके, रुकुमनी जो आवाज़ देते हुए बोलती है, रवि उसको बोल दो कि किचन में कुछ नहीं है. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप. और उसको बोल देना दोबारा नहीं आने के लिए. ओके, वो बिल्कुल जो है थकी हुई लग रही है. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. रवि को ये सब जो है रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यू नो लाइक ईजी था सुनना बाकी के लिए कि उसकी मदर जो है रुकुमनी या टापी वो क्या बोल रही थी. What his mother said had been easy for them all to hear. जो भी उसकी माँ ने कहा था वो इन सब के लिए बिल्कुल आसान था सुनना. There under the neem tree, नीम के पेड़ के नीचे. The beggar sat up and sighed. बेगर जो है वो उठ के बैठ गया और उसने लंबी सांस ली. Just as she stepped into the veranda, Mirdu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही वो वरेंडा पर जो है कदम रख, सॉरी वी हैव पार्ट हियर, I missed it. I will go, he said wearily. वो थके हुए तरीके से बोलता है, ठीक है चला जाऊँगा. Only let me have a rest here under the tree. बस थोड़ी देर मुझे इस पेड़ के नीचे जो है आराम करने दो. The sun is so hot, the tar has melted on the road. सूरज इतना गर्म है कि वो टार जो है जिसको हम लोग अलकतरा कहते हैं ना, कोलतार, तो वो जो है रोड पर बिल्कुल पिघल गया है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. मेरे पैरों में ऑलरेडी फफोले पड़ चुके हैं. ब्लिस्टर्ड मतलब फफोले पड़ जाना. ही स्ट्रेस्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट. वो जो अपना पैर फैला के दिखाता है वो बड़े बड़े पिंक जो है वो जो उखड़ते हुए फफोले हैं उसके खाली पैर के एरियों पे. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mirdu whispered to Meena and Ravi. Okay? Mirdu jo hai wo Meena aur Ravi ko phuspusate hue kehti hai, mujhe lagta hai ki uske paas jo hai chappal khareedne ka paisa nahi hai. Have you got an old pair in the house somewhere? Kya tumhare paas koi purana wala jura hai kya ghar mein kahin par? I don't know, said Ravi. Ravi bolta hai mujhe nahi pata. Mine are too small to fit his feet.
मेरे तो बहुत छोटे हैं उसके पैर के हिसाब से, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, वरना मैं उसे दे देता। हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, उसका पैर तो वैसे भी, आई मीन रवि का पैर जो है वो मृदु और मीना से भी ज़्यादा बड़े हैं, और उसका चप्पल भी जो है उसको नहीं आएगा, तब क्या करें। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आईज फीलिंग, मीना की आंखों में जो है बड़ी बड़ी आंखें जो हैं उसमें आंसू भर गए, उसे कुछ तो चाहिए अपने पैरों के लिए, इट इज़ नॉट फेयर, ये सही बात नहीं है। रवि जो है उसको चुप करवाते बोलता है, चुप, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ओके मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प, ये जो बार बार बड़बड़ाना जो है कि ये सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इन टू मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, दो मिनट में वो फिर से अपना पैर जो रोड पर जला रहा होगा। वट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, उसे जो चाहिए वो है चप्पल का एक जोड़ा। सो वेयर डू वी गेट देम, तो कहाँ पर हम वो पाएंगे उसके लिए। कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वो जो है मृदु और मीना को घर के अंदर धक्का देता है, चल भाई खोज खोज। और जैसे ही बरंडा पर पैर रखती है मृदु, उसकी आंखें जो है एक और लगने वाले, अजीब लगने वाले चप्पल पर पड़ती है जो कि उसने आने के साथ देखा था। रवि, शी व्हिस्पर्ड टू हिम, हू आर दोज, बोलती है रवि ये किसके चप्पल है। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, रवि जो है वो पलटता है और देखता है वो पुराना सा लगने वाला बट मजबूत पुराने चप्पल को। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसका चेहरा चमक उठा और उसने हाँ में गर्दन हिलाया, दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये तो बिल्कुल सही साइज है। ही सेड पिकिंग इट अप, उनको उठाते हुए उसने बोला। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन, मृदु और मीना जो है वो नर्वसली उसका उसके पीछे पीछे चलते हुए गार्डन में पहुँच जाते हैं। Well, let us try to finish the story altogether. Here, said Ravi to the beggar. Ravi जो है फिर beggar के पास जाता है, बोलता है ये लो, चप्पल जो है उसके सामने में गिरा देता है, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। वेयर दिस एंड डोंट कम बैक, इनको पहनो और दोबारा वापस मत आना। द बिगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इन टू दैम एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन। भिखारी ने जो है चप्पलों को घूर के देखा, फिर फटाक से अपना तौलिया जो अपने कंधे पर डाला, अपना पैर जो है चप्पलों में डाला और बच्चों को जो है आशीर्वाद बुदबुदा के देते हुए निकल गया वहाँ से वो। In a minute, he had vanished around the corner of the street. मिनटों में ही जो है वो गली के कोने से गायब हो गया, एकदम से उड़ गया। अब म्यूजिक मास्टर जो है, he came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. म्यूजिक मास्टर जो घर से बाहर आते हैं और तीनों बच्चों को देखते हुए जो है, तीनों बच्चों को अनएप्रिसिएटिवली देखते हैं, मतलब बुड़बक है यहाँ बैठा रहता है केवल, क्योंकि वो लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वो मार्बल से खेल रहे हैं। जैसे हम लोग के यहाँ वो कंचे खेलना जो है वो ख़राब माना जाता है ना, तो वैसे ही मार्बल खेलना भी वहाँ के कल्चर के हिसाब से ख़राब माना जाता होगा, तो हिसाब से ये बुड़बक बच्चा सब है, संस्कारहीन सब है। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरेंडा वेयर ही हैड पुट देम, तब उसने अपना चप्पल खोजा वरेंडा पर जहाँ पर उसने रखा था। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, शी हरीड अप टू हिम, वो लल्ली को आवाज़ देता है और वो फटाक से भागते हुए आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, बेटा तुमने मेरा चप्पल देखा है क्या। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैंने उनको यहाँ पर रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरेंडा। रवि, मृदु और मीना जो वो चुपचाप देखते हैं लल्ली और म्यूजिक मास्टर को जो है वरेंडा के हर एक कोने को सर्च करते हुए। ही स्कर्रीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट टू लुक बीनीथ बिटवीन देम, ओके वो जो है छोटे छोटे कदम भरते हुए, स्कर्डी मतलब होता है छोटे छोटे कदम लेके भरते हुए भागना, वो छोटे छोटे कदम लेते हुए जो है पूरा रेलिंग के पार देखता है, फिर फ्लावर पॉट्स के बगल में जो है झुकझुक के देखता है उनके बीच में। ब्रांड न्यू देवर, बिल्कुल नए थे एकदम से। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, पूरा मैं माउंट रोड गया था उनको खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वो ये बोलता हुआ जा रहा था, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी, पूरे महीने की फी लग गई थी उसको खरीदने में। Soon Lali went in to tell her mother. Okay, जल्दी ही लली जो है अंदर माँ को बोलने गई। रुकुमणि appeared. रुकुमणि फिर आई looking harassed with Patty following her. बेचारी जो है थोड़ा थकी हुई परेशान सी लग रही है और पाती जो है उसके पीछे से आ रही है, ठीक है ना। Where could they be? कहाँ हो सकते हैं? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. Right? कहाँ होंगे वो चप्पल? ये वाकई अपसेटिंग है, परेशान करने वाला है ये सोचना भी कि कोई जो है उनको चुरा लिया होगा। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड, पाती बेचारी चिंतित है, इतने सारे वो वेंडर्स वगैरह आते रहते हैं, किसी ने चुरा उड़ा तो नहीं लिया। रुकुमणि कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री।
रवि की नज़र फिर जो है रुकमानी की नज़र जो है फिर रवि मृदु और मीना पर पड़ती है जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं. हैव यू चिल्ड्रेन ओके शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली. ठीक है. हैव यू चिल्ड्रेन सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरेंडा. तुमने बच्चों और ये देखे कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से बिल्कुल चुपचाप हैं, धीरे धीरे बोले, तुमने किसी को यहाँ पर इसके आसपास जो है लुकी छुपी करते हुए देखा है क्या? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज. बिल्कुल वी वाला शेप उनके जो है आईब्रो पे बन गया था, शक वाली नज़र. अगर आप लोगों में से किसी ने वो CID वाला देखा होगा ना, तो मेरे ख्याल से वो इंस्पेक्टर प्रद्युमन के शक्ल पे भी जो है यही वाला वी शेप लाइन बनता है, तो वैसा ही वी शेप लाइन बन गया था. अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ. और एक दूसरा जो है स्ट्रेट बिल्कुल टाइटर वन जो है वो उनके उनका जो नॉर्मली सॉफ्ट और प्लेजेंट माउथ है उसकी जगह पे, मतलब कि मुंह एकदम से जो है बंद है, भीगा हुआ है. रुकमणि वॉज एंग्री थॉट मृदु विद अ शिवर. मृदु जब बिल्कुल कांपते हुए सोचती है वो रुकमणि गुस्से में थी. शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट. शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ. वो अपने आप को समझाती है कि वो इतना अपसेट नहीं होगी अगर उसे पता चलेगा उस बेचारे भिखारी के बारे में जिसके पैर बिल्कुल घायल हो चुके थे. Taking a deep breath, she cried. गहरी सांस लेते हुए वो चिल्लाए, Rukmani, there was a beggar here. Poor thing, had such boils on his feet. लंबी सांस लेते हुए वो चिल्ला के बोली, Rukmani, यहाँ पर एक भिखारी था बेचारा, उसके पैर पर जो है फफोले उगाए थे. So, Rukmani, said Rukmani grimly, turning to Ravi. रवि की तरफ पलटते हुए रुकमणि ने बिल्कुल सीरियसली बोला, तो यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर. तुमने म्यूजिक मास्टर का चप्पल जो है उस पुराने उस बूढ़े भिखारी को दे दिया जो यहाँ पर आता है. चिल्ड्रेन दीज डेज ग्रोंड पाती. पाती जो है बेचारी आवरते हुए कहती है, आजकल के बच्चे. अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयर रिंग्स. ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस. अब जो है बच्चा सब बोलना शुरू करता है, अम्मा क्या तुमने मुझे वो कर्ण की कहानी नहीं सुनाई थी जो कि जिसने कि अपना सब कुछ दान कर दिया था, अपना गोल्ड वाला जो है सोने वाला इयर रिंग भी. वो इतना जो है दयालु और उदार था. सिली स्नैप रुकमणि और द बेवकूफ. कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन. और द बेवकूफ, कर्ण ने दूसरे का सामान तो नहीं दे दिया ना, अपना सामान दिया ना उसमें उसने. फिर रवि बोलता है, बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट. रवि रश्ड ब्रैशली ऑन. ये बोलता है, लेकिन मेरा चप्पल फिट नहीं आता ना बेगर को. एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड. और अम्मा अगर फिट आ जाते वो बेगर को, क्या तुमको वाकई बुरा नहीं लगता? रवि सेड रुकमणि वेरी एंग्री नाउ. रवि वो रुकमणि जो बिल्कुल गुस्से में बोलते हैं, रवि मतलब चुप रहो. शी हरीड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामा इज हार्डली वोर्न न्यू चप्पल्स. वो जो है तेजी में अंदर गई और गोपू मामा का जो है बिल्कुल नहीं पहना हुआ, कम पहना हुआ नया चप्पल जो वो लेके आ गई. दिस शुड फिट यू सर. ये आपको फिट आना चाहिए सर. प्लीज़ पुट दिस ऑन. कृपया इन्हें पहन लीजिए. आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ही सॉरी हूँ. माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी. मेरा बेटा जो है काफ़ी नॉटी हो रहा है, काफ़ी बदमाश रहा है. द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप. मास्टर साहब की आंखों में चमक आ गई. ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी. उन्होंने उसे पहन लिया, ज़्यादा खुशी जो है चेहरे पर नहीं दिखाई. Well, I suppose this will have to do. Well, मुझे लगता है हाँ जिसे काम चल जाएगा. These days, children have no respect for elders. What to do? आजकल के बच्चे बड़ों के लिए कोई इज्जत ही नहीं है उनके मन में, क्या कर सकते हैं? Rukmani's eyes flashed. Rukmani की आंखें जो है एकदम से चमक पड़ी. She stood stiff and straight by the front door. वो जो बिल्कुल अकड़ के मतलब दरवाजे के सामने बिल्कुल सीधी खड़ी थी. It was clear she wanted him to leave quickly. ये क्लियर था कि वो उसको तेजी जल्दी चाहते थे निकल जाए वो. When he had clattered off in his new chappals, और जब वो clattered off मतलब कि कटक कटक करते हुए जब निकल गया अपने नए चप्पल में, तब उसने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन. मृदु अंदर आओ और कुछ खाना पीना खा लो, बेसिकली टिफिन. ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रेन थिंक ऑफ सच थिंग्स. मतलब ईमानदारी से तुम बच्चे सब ऐसा सोचते कैसे हो? थैंक गॉड योर गोपू मामा डजेंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क. भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा अपना चप्पल पहन के काम पे नहीं जाते हैं, वरना क्या देती है इस मास्टर साहब को अभी. एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना शी सडनली बिगेन टू लाफ. और जब वो ऐसे किचन की तरफ जा रही थी मृदु और मीना के साथ, वो अचानक से हंसने लगे.
but he's always in such a hurry to throw off his shoes and sock and get into his chappals as soon as he comes home. लेकिन वो हमेशा इतने अपने गोपू माँ के बारे में बोलते हुए कहती है, लेकिन वो तो बहुत ही जल्दी में रहता है अपना जूता वूता खोल के जो है फटाफट चप्पल में घुसने के लिए. What's your mama going to say this evening? और आज तुम्हारे मामा क्या कहने वाले हैं शाम में? When I tell him I gave his chappals to the music master, जब मैं उनको बोलूँगी कि मैंने उनका चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दिया. So well, that's the story, very interesting one in fact, right? Dan of chappal, right? A gift of chappal, and it was actually shows us, you know, like I mean, how beautiful heart the children could have, right? Or another thing is that, you know, like happiness jo hai wo hamare paas kya cheez hai usse shayad hame utni khushi nahi milti hai jitni khushi hame is cheez se milti hai ki humne dusron ke liye kya kiya hai, humne dusron ko kya diya hai. Okay, so well, that's the story. Just go through the story once more, okay, and ensure that you have understood it all. And in the next lesson, we will start with the question answer section of this chapter. Okay, bye bye, have fun.